एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्रूट फेशियल वीडियो। तो फ्रूट फेशियल में क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ और आप घर पे भी जैसे आपके पास में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो उनसे आप किस तरीके से किट बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो फेशियल की मैंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की वीडियोस डाली हुई हैं, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की और हर टाइप के स्किन के हिसाब से डाली हुई हैं। बट आज जो मैं वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूंगी उसके पहले मैं आप सबको प्रोडक्ट्स दिखा देना चाहती हूँ। अभी ये जो है फ्रंट कैमरा है तो आपको उल्टा दिखेगा, मैं आपको बैक कैमरा भी अच्छे से करके दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास में फ्रूट फेशियल का ये डब्बा है, इसको मैंने मार्केट से ही लिया हुआ है, आपको भी ये मिल जाएगा। और ये है अरोमा कंपनी का, ठीक है, अरोमा कंपनी का है और ये जो है 900 ml का आता है और इसकी जो प्राइस है 460 MRP है इसका। मैं अभी आपको बैक कैमरा करके अच्छे से दिखाऊंगी और ये बहुत अच्छा है। इसको अगर आप 15 डेज में भी करते हो ना, मंथ में दो बार भी करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि फ्रूट फेशियल जो होता है ना बहुत ही नेचुरल होता है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको किसी भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, टीन एज गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं और किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी आपको बैक कैमरा करके दिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही मस्ट है, अगर आपका पार्लर है तो आप पार्लर के लिए भी रख सकते हैं और अगर आप घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो घर के लिए भी आप इसको ला के रख सकते हैं। तो एक इस तरीके से आप डब्बा ले लीजिए, ओके। उसके बाद आपको चाहिए, जैसे ये तो आपको अलग से मिल जाएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रब भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो कोई भी फ्रूट स्क्रब आपका चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम इसी ब्रांड का होना चाहिए, आप उसके अलावा जैसे मेरे पास में यहाँ पर ये वाला स्क्रब है, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे फेयर ग्लो स्क्रब यूज़ करने वाली हूँ। और फेयर ग्लो में टू टाइप्स का स्क्रब आता है, एक आता है मोटे दाने वाला और एक आता है सॉफ्ट दाने वाला। तो ये वाला जो है ये सॉफ्ट दाने का है, तो ये फेस पे आप आराम से कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके जो पार्टिकल्स भी हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखिए इसको ओपन करके, ये देखिए कुछ इस टाइप से है। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ना, इसके दाने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसको इजिली आप ना अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसमें ना इसके जो दाने हैं ना बहुत ही क्रीम बेस है, तो ये आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए ना फेयर ग्लो में दो तरीके का आता है, एक बॉडी स्क्रब रहता है और एक होता है फेस स्क्रब। तो फेस के लिए मैं यहाँ पर फेयर ग्लो यूज़ करूँगी, ओके। और उसके बाद हमें चाहिए रहता है फेस पैक लास्ट में अप्लाई करने के लिए। तो फेस पैक के लिए इस तरीके से कोई भी आपके पास, चाहे तो वो लिक्विड बेस वाला हो या फिर आपके पास में पाउडर बेस का हो, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें फ्रूट का, पिंपल्स का और नीम, तुलसी, अलग अलग चंदन का, मतलब ये इस तरीके की पैकेजिंग मिलती रहती है, आप इजीली मार्केट से ले सकते हो। और इसका जो MRP है वो है 55 है। तो इस तरीके से ना आप अलग अलग चीज़ें लेके भी एक किट तैयार कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये देखिए, ये बन चुका है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले तो, और क्लिंजिंग मिल्क के लिए आप कुछ भी अप्लाई, जैसे जो भी आपके पास क्लिंजिंग मिल्क हो वो आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फ्रूट है तो आपके पास फ्रूट क्लिंजिंग मिल्क हो तो ही आप यूज़ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, आप क्लिंजिंग मिल्क का काम ही होता है ओनली फॉर स्किन को क्लीन करना, जो भी हमारे स्किन में डस्ट होता है, पॉल्यूशंस होता है, उसको वो क्लीन करता है। तो सिर्फ क्लीनिंग के काम के लिए आप जो भी आपके पास में है क्लिंजिंग मिल्क वो यूज़ करें, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे आप कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए रहता है स्क्रब, तो स्क्रब लिए मैं ये फेयर ग्लो यूज़ करूँगी। उसके बाद चाहिए रहेगा मुझे क्रीम, तो मसाज के लिए मैं ये क्रीम यूज़ करूँगी, ठीक है। और पैक लगाने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फ्रूट। तो मैं आपको अभी सारी चीज़ें ना बैक कैमरा अच्छे से करके दिखाऊंगी, इसके नाम वगैरह सब दिखाऊंगी अच्छे से। तो इस तरीके से ना आप अलग अलग जो है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी लेके आप अपना किट तैयार कर सकते हैं और हमेशा आप कर भी सकते हैं और सेल्फ में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरों का भी कर सकते हैं, ये अपने क्लाइंट के ऊपर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और ये आज भी मैं बहुत सालों से इसको यूज़ करते आ रही हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इसको आप चाहें तो फेस पे मसाज करें, बॉडी पे भी मसाज कर सकती है। क्रीम मतलब ऑल टाइप्स के लिए, ऑल बॉडी के लिए है, कहीं पर भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे मसाज करनी, फुट मसाज, हैंड मसाज, बॉडी मसाज या फेस मसाज, सभी जगह पे इसको आप कर सकते हो। तो चलिए बिना लेट के वीडियो भी दिखाऊंगी आपको कि करना कैसे, और साथ ही साथ इसको मैं आपको बैक कैमरा करके भी दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ।
वो प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मसाज क्रीम के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे अरोमा आइना का, ये फ्रूट मसाज क्रीम हर्बल है विद विटामिन ई के साथ में है, और इसमें ये देखिए एक्टिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई ऑयल। इस मसाज क्रीम में पता है विटामिन ई का जो ऑयल होता है ना, जो हम फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं ना, इसमें ऑलरेडी मिक्स है, तो आपको अलग से भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 900 ml का रहता है ये देखिए, और इसकी MRP है, यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको पास से करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये 460 rupees का आपको इतना बड़ा डब्बा मिल जाएगा। और स्क्रब के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ये देखिए फेयर ग्लो का एप्रिकॉट टर्मरिक स्क्रब है, फ्रूट का ही है, और ये आपको पड़ेगा 120 rupees का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 120 rupees लिखा हुआ है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। और फेस पैक के लिए आपके पास जो भी हो, चंदन पाउडर या अदर और भी कोई है आपके पास, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर फ्रूट्स फेस पैक, और इसके MRP 55 rupees है, और इसको जो है आप स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका स्किन बहुत ऑयली है तो आप उसमें जैसे कि ऑस्ट्रिजेंट या टोनर इन सब चीज़ों के साथ में मिक्स कर सकते हो, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप उसको जो है इसको गुलाब जल के साथ में, आप रोज़ वाटर के साथ में मिक्स करेंगे और फेस पे लगाएंगे। तो इसे करना कैसे वो भी मैं आपको अच्छे से अभी बताने वाली हूँ। तो ये फ्रूट मतलब इतना बड़ा डब्बा आपके लिए काफ़ी दिन चल जाएगा, और इजीली आपको मार्केट में ये मिल भी जाएगा, आपको इसके लिए ऑनलाइन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, मिल भी सकता है, बट मार्केट में भी आपको मिल जाएगा ये देखिए। और इतना बड़ा है तो आप इसको जैसे कि आप अपने बॉडी मसाज आप कर रहे हो तो उसके लिए भी ये क्रीम यूज़ कर सकते हो, उस पर भी बहुत अच्छा ये ग्लो देता है। तो चलिए बिना लेट के चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो ढेर सारा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं आपको करना भी बताऊंगी कि कैसे करना है। और हाँ, आज दो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आप सबको कि अगर आप फुल क्लीन अप कैसे होता है, जैसे क्लीन अप का मतलब सबको बस यही समझ में आता है कि सिर्फ हमें ओनली फॉर क्लिनजिंग या क्रीम मसाज देनी है और पैक लगा के छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि फुल फेशियल होता है उसी तरीके से हमें फुल क्लीनअप भी करना होता है, तो वो भी मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप्स पे आएगा हमारा क्लिनजिंग। तो आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी है तो आप इसकी जगह कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनजिंग का काम सिर्फ फेस से हमारे एक्स्ट्रा ऑयल डस्ट पोल्यूशन को क्लीन करना होता है, मेकअप रिमूव करना होता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो उसको हमें अपनी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं करना होता, इसके लिए उसका जो टाइमिंग है 1 से 1.5 मिनट इनफ है। फिर मैं इसको क्लीन कर दूंगी, फिर हम चलेंगे सेकंड स्टेप्स की तरफ जो होगा हमारा स्क्रब। तो स्क्रबिंग का जो टाइमिंग है वो हमें रखना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ये देखिए, और उसके बाद मैं जो है स्क्रब स्टार्ट करूंगी। स्टेप्स आप लोग बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि कैसे करना है, और मैं अभी सिर्फ इनके फेस पे कर रही हूँ। उसके बाद फिर जब इनका जो बैक एंड नेक मसाज में इनको जब बैठा के करूँगी ताकि अच्छे से, क्योंकि जो बॉडी है काफ़ी हेल्दी है तो एक साथ नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैं बाद में करने वाली हूँ, पूरा सामने का फ्रंट एंड बैक एक साथ में क्लीन करूँगी बैठा के। तो इस तरीके से देखिए करना है, और किस तरीके से पूरे फेस पे आपको क्रीम मिक्स करनी है वो भी चीज़ देखते हुए चलेंगे। स्क्रब के स्टेप्स देख लीजिए कैसे करना है, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे हम। तो ये पता है फेशियल बहुत अच्छा रहता है, इसको मतलब नेचुरली कोई भी किसी भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, और फ्रूट जो है हर किसी के स्किन के लिए सूटेबल होता है। मेरे हिसाब से तो फ्रूट कभी किसी को नुकसान नहीं करता होगा, ऐसा आज तक मेरे पास कभी कंप्लेन नहीं आई कि फ्रूट फेशियल जो है सूट नहीं किया, सबको करता है, क्योंकि ये बहुत ही हर्बल चीज़ होती है। और इसको जो है आप मंथ में जो है एक फेशियल ले सकते हैं पूरा, और आप चाहें तो 2 बार करना, एक क्लीन अप ले लीजिए और एक फेशियल ले लीजिए। तो मंथ में इसको आप 2 बार भी कर सकते हैं, एक बार फुल फेशियल ले लीजिए और एक बार क्लीनअप। तो क्लीनअप भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हाफ क्लीनअप, एक होता है फुल क्लीनअप। तो अगर आप लोग बोलोगे हाफ और फुल क्लीनअप तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, ये देखिए। तो इस तरीके से ना आपको पूरा अच्छे से फेस को क्लीन करते हुए चलना है।
और बस जैसे ही हमारा 3 से 4 मिनट कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसको क्लीन कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे विदाउट ब्लीच फेशियल कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लीच भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, पहले ब्लीच कर लीजिए उसके बाद आप फेशियल कर लीजिए। और ब्लीच का भी मैंने अलग अलग टाइप का वीडियो डाला हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी ब्लीच मैंने दिखाई हुई है। तो ऑक्सी ब्लीच मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सेरेल्स की ऑक्सी गोल्ड ब्लीच मैं आप सबको दिखाती हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आप सबके स्किन के लिए। तो वो चाहें तो आप खुद से खरीद लें, या फिर अगर आप पार्लर जाते हैं तो आप ब्यूटिशियन को बोल के आप वो वाला ब्लीच करवा भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए और उसका ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप्स की तरफ। स्क्रब को मैं क्लीन कर दी हूँ और उसके बाद जो है क्रीम मसाज करेंगे हम। तो क्रीम की टाइमिंग जो है आप स्किन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे बहुत ही टीनेज गर्ल्स है तो 5 से 7 मिनट इनफ है, अगर थोड़े से बड़े लोग हैं तो 15 मिनट 20 मिनट काफ़ी है, और ज़्यादा एज के लोग हैं तो आप जो है 25 मिनट ले सकते हैं। तो टाइमिंग जो है अप डाउन आप जो है अब एज के हिसाब से आप देख लेंगे। क्रीम भले ही आपका प्रोडक्ट्स भले ही वही रहेगा, लेकिन आप जो है एज के हिसाब से टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो और करना भी चाहिए। तो ये इस तरीके से देखें, आइस के ऊपर भी अच्छे से करना, और 20-20 में ना आप अपने हाथों को जो है थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि हमारा हाथ बहुत अच्छे से चलता रहे। ये देखिए आइस के ऊपर इस तरीके से मसाज करेंगे। तो मैं इनका नेक एंड बैक मसाज बाद में लूँगी क्योंकि हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है ना, तो साथ में जो बहुत ज़्यादा हेल्दी बॉडी के लोग होते हैं ना तो उनका नेक जो है ऐसा दब जाता है, तो एक साथ में करते नहीं जमता है। तो इस वजह से ना हमेशा मैं जब भी आप भी अगर आपका भी पार्लर है तो अगर कोई इस तरीके से हेल्दी बॉडी का है तो फिर आप उसका बाद में करें तो वो अच्छे से क्लीन होता है, मतलब उनको बैठने के लिए बोल दीजिए तो नेक क्या है अच्छे से खुल जाता है, फिर ना अच्छे से मसाज करते हुए बनता है। देखिए स्टेप्स आपको इस तरीके से करने, एक हाथ नीचे लगाना है चिन के पास और एक हाथ से आपको ये 3-3 टाइम आपको करना है। और इस फेशियल को कोई भी कर सकता है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, सबके ऊपर चला जाएगा, सबके स्किन के लिए बेस्ट है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे, क्योंकि जब भी फेशियल वीडियो अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि मैम मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, मेरी तो ऑयली है, पिंपल वाली मैं यूज़ करूँ या नहीं करूँ। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बस हाँ अगर आपकी स्किन में पिंपल है तो आप स्क्रब को स्किप कर दीजिए, स्क्रब मत करिए, सिर्फ आप जो है क्लिंजिंग और क्रीम मसाज करके अच्छा सा पैक लगा लीजिए, तो इतना भी काफ़ी है। क्योंकि अगर छोटे छोटे दाने वाला तो स्क्रब आप कर सकते हो, जैसे बहुत छोटे पिंपल हैं, घाव नहीं है आपको तो आप स्क्रबिंग कर सकते हो, लेकिन कम टाइम। अगर ऐसे आप इनको 3 से 4 मिनट किसी और को करके दोगे, जैसे मान लीजिए कि मैं इनको 3 से 4 मिनट स्क्रब करूँगी तो मैं पिंपल वाले स्किन पे सिर्फ 1.5 से 2 मिनट इनफ होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्टीम देना है, पम्पिंग करना है, आइस को इस तरीके से रिलीफ करना है, और ये इस तरीके से ये हमारे स्ट्रोक होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो आपको सब क्रीम मसाज करते समय ही करना रहता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। उसके बाद ईयर को साफ करेंगे, कान को, और उसको ऐसा पकड़ के 3-3 टाइम अप डाउन करना है। तो क्रीम मसाज का जो टाइमिंग है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेस पैक, जो फ्रूट फेस पैक मैं आप सबको दिखाई हूँ वही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो एक चीज़ का बस ध्यान रखेंगे, अगर नॉर्मल स्किन, जैसे इनकी नॉर्मल है तो मैं रोज़ वाटर से इसको मिक्स की हूँ, अगर स्किन में पिंपल है तो आप कुकुम्बर टोनर के साथ में पैक को मिक्स करेंगे, अगर ऑयली है तो आप ऐसा रोज़ जो रोज़ टोनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं या कुकुम्बर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही है कि नॉर्मल तो रोज़ वाटर, पिंपल एंड ऑयली है तो टोनर, दो चीज़ों के साथ में आपको मिक्स करना है और इस तरीके से अप्लाई कर देना। जैसे ये ड्राई हो जाएगा फिर हमें इसे क्लीन कर देना है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या करना है। तो इस तरीके से फेशियल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पैक के ड्राई होते ही हमें उसे क्लीन कर लेना है। तो आई होप आप सबके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।